हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन सर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आपके फ़ोन पे कॉल आता है तो आपको अपने हाथों से रिसीव करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिना फ़ोन को टच किए कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों सही सुना आपने, बिना आपको टच किए फ़ोन को, जैसे कि आपके फ़ोन पर कॉल आएगा, सिर्फ आप बोल देंगे ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मेरे फ़ोन पर कॉल आएगा अभी और मैं आपको उसे रिसीव करके दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देख लेना, आपके सामने ही मैं आपको सबसे पहले लाइव दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कॉल आ चुका है, अभी मैं जो है रिसीव करके आपको दिखाता हूं बिना फोन को टच किए। हेलो, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने हेलो बोला, मेरा कॉल रिसीव हो चुका है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कॉल रिसीव हो चुका है और बात भी हो रही है। तो इस प्रकार दोस्तों आप बिना फोन को टच किए कॉल को रिसीव कर सकते हैं और इजीली बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को यार 2000 लाइक कर दो और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। दोस्तों वीडियो शुरू करो उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ऑल पे आप क्लिक कर दो। तो यहां पे इतना आपको काम करना है और नीचे आके मुझे बताना है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, बस इतना छोटा सा काम कर दो। तो दोस्तों उसके लिए आपको वानी नेम का यह एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं सिंपली ओपन करके आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको कॉल रिसीव करने के लिए हेलो बोलना होगा। अगर कॉल रिसीव नहीं करना चाहते तो आप नो बोल दीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कॉल रिसीव होकर स्पीकर पर हो जाए तो सिर्फ स्पीकर बोल दीजिए, ऑटोमेटिक कॉल रिसीव होकर स्पीकर पर हो जाएगा। अगर SMS बोल दोगे तो ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा जो आप सेट करोगे। उसके बाद यहाँ पर साइलेंट बोल लोगे तो ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा और ब्लॉक बोल दोगे तो भाई कॉल जो नंबर से आ रहा होगा ना वो ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सेटिंग कैसे करोगे? जी दोस्तों, सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं कॉल रिसीव करने के लिए आपको क्या बोलना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक हेलो है तो आप चाहे इसे रख सकते हैं, नहीं तो इसे एडिट कर सकते हैं। और कॉल कट करने के लिए यहाँ पे नो है तो आप नो रख सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सारी चीजें बस दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप जो करना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा स्टार्टिंग में, तो आपको परमिशन अलाउ कर देना है। तो अब मैं इस पे कॉल करके आपको दिखाता हूँ ये एप्लीकेशन वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो मैंने सारी चीजें कर ली है, अब मैं सिंपली इस पे जो है कॉल करूंगा, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें जो है प्रूफ आपके लाइव सामने दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पे कॉल लगा दिया है, अभी कुछ ही सेकंड में इस पे कॉल आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉल आ चुका है, अब मैं आपको जो है दिखाता हूँ इसे रिसीव करके। नो, तो मैंने यहाँ पे नो बोल दिया तो ऑटोमेटिक कॉल जो है कट हो गया, क्योंकि मैंने रिसीव करके तो आपको दिखा दिया था। वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ अब रिसीव करके। जहाँ दोस्तों एक बार मैंने कॉल कट करके दिखा दिया, अब रिसीव करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लेना, आपके सामने ही मैं कॉल रिसीव करके आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे कॉल आ चुका है, मैं रिसीव करके दिखा देता हूँ। हेलो, तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने हेलो बोला, ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो चुका है और यहाँ से मैं बातें भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया कितनी कमाल की एप्लीकेशन है यार, कितना सारा चीज़ है, आपको फ़ोन को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये वानी नेम की एप्लीकेशन कितना ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू दोस्तों।